सीन ऐसा है कि अब तुम्हारे भाई को बॉडी बनानी तगड़ी, जेन्युइन वाली तगड़ी। तुम्हारी बॉडी ना कभी नहीं बन सकती। क्यों क्यों तरुण भाई? पता क्यों? You know why? Because तुम हो चूतिए। यार ऐसा क्यों बोल रहे हो तरुण भाई? कोई गलती वलती हो गई क्या यार मेरे से यार? क्योंकि तुम अपनी रिसर्च तो करोगे नहीं, कोई पकड़ लोगे चूतिया ट्रेनर, और वो चूतिया ट्रेनर आपको कराएगा चूतिया ट्रेनिंग। थोड़े दिनों बाद वही चूतिया ट्रेनर आपको दे देगा फेक सप्लीमेंट्स। चलो ठीक है तो भाई, बॉडी वॉडी छोड़ो यार, खाली एप्स ही बना लूंगा भाई, छोड़ो यार। अबे चूतिए सिक्स पैक एप्स का करेगा क्या तू? बॉडी वॉडी यार तुम लोग कितने चूतिये हो रहे यार। अभी मुझे लग रहा है कि तरुण भाई को ना चूतियों से बहुत नफरत है। मेरे सारे दोस्त जरा दूर रह गए तरुण भाई से, ठीक है? अबे साले छोटी कर ली हमने, लाइव में भी वेस्ट देख ली तुमने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नाप लेना। यार इस धरती पे आखिर कितने भगवान के बच्चों ने जन्म ले रखा है जो हर रोज पता नहीं कितनी नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखा रहे हैं। अब इसी भाई को देख लो, ये बंदा कह रहा है कि स्क्रीनशॉट लेके मेरा साइज नाप लो कमर का, जो साइड से भी और सामने से भी सेम है। वेस्ट भी चेक कर लेना, लाइव में भी वेस्ट देख ली तुमने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नाप लेना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई मेरे स्क्रीनशॉट में तो 2 इंच आ रहा है तुम्हारी कमर का साइज। 2 इंच की है क्या तुम्हारी कमर? यार तरुण भाई कभी शीशे में खड़े होकर अपने आपको चूतिया बोला है? मतलब बोल के देखो, अच्छा लगेगा थोड़ा। 9 लाख रुपए मेंस फिजिक जीत रहा हूँ बिग फिट क्लासिक में इस 5th नवंबर को। कम ऑन 5th नवंबर, दम है भाई? देखो इस वीडियो में तरुण भाई ने इतना गंदा चूतिया काटा ना ऑडियंस का। तरुण भाई ने यहाँ पे तो हवाबाज बन के बोल दिया कि भाई 8 लाख रुपए जीतने आ रहा हूँ मैं। और कंपटीशन वाले दिन पता है तरुण भाई क्या कह रहे थे? तरुण तुम तो आज 8 लाख रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में। ओहो यार मेरी तो नींद ही नहीं खुली है, मेरी तो नींद ही नहीं खुली है। देख लो भाई ये जलवा तरुण भाई का, खुले हम वो चूतिया बोलते भी है बंदे को और खुले हम बनाते भी है। और जिन लोगों ने तरुण भाई की इस बात पे विश्वास किया होगा ना, मेंस फिजिक जीत रहा हूँ बिग फिट क्लासिक में, उन लोगों के लिए मेरा और तरुण भाई का सिर्फ एक ही मैसेज है, तुम लोग कितने चूतिया हो रहा यार। आज हमारी हो गए शादी को 10 साल। भाई मैं एक मिथुनदा वाला ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा यहाँ पे। ग्रैंड सैल्यूट मैंने किसको दिया है? भाभी जी को। क्योंकि भाई जिस तरुण भाई की रील हम 30 सेकंड तक नहीं झेल पाते, उस तरुण भाई को हमारी भाभी जी ने 10 साल तक झेला है, तो ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है ना यार। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है व्हेन अ गुड गर्ल मैरीज अ बैड बॉय। ओ भाई साहब बैड बॉय, भाई भाई सरोजिनी नगर की पटरी का बैड बॉय आ चुका है भाई। भाई अब सारे गुड बॉय घर बगलो भाई, क्योंकि अब बैड बॉय आ चुका है और ये बैड बॉय अकेला बैठे बेचेगा भाई सरोजिनी नगर की पटरियों पे। कई लोग ऐसे जन लगता है कि इसने तो अपनी वाइफ तक को नहीं छोड़ा यार, पता नहीं किसने के लिए नहीं छोड़ा। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ही बता दो भाई, कुछ मार्गदर्शन कर दो ऐसे लोगों का। बताओ अब बाहर लोग बोलेंगे, बोलने वाले तो कुछ भी हो सकते हैं, because they are jealous। भाई अगर मेरी जिंदगी में कोई इतनी प्यारी लड़की आ जाएगी जो मेरी हर बकलैंड हरकतों में मेरा ऐसे साथ दे, भाई उसी क्षण उसके गले में वरमाला डाल दूंगा मैं। Everything together. Yes. कहते हैं we shoot together, travel together. तो भाई जलने वालों की तो जलेगी और फटने वालों की फटेगी। भाई साइड से भाभी भी याद मार के इसको ये बोले कि अबे चूतिया ढंग से खड़ा हो जा रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है बीमारों वाली, वैसी क्या कम बेइज्जती करा रखी है तूने हमारी, तू घर चराचर को बनाती हूँ मैं बैड बॉय। बैड बॉय। डेट पे जाना है? हाँ तरुण भाई। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है? हाँ बिल्कुल। लोगों को इम्प्रेस करना है अपने आम साइज से? अरे हाँ तरुण भाई हाँ। बस एक काम करना है, जाने से पहले खाली रॉड है ना, क्या लेना है? खाली रॉड है ना। छोड़ो तरुण भाई, मतलब मैं यार किसी और चीज से इम्प्रेस कर लूंगा यार अपनी बंदी को, छोड़ो यार कभी कभी और करेंगे। I am a Maggie man। वे तुम भाई नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैगी मैन खाली एक ही बंदा है। बन चुका हूँ मैगी मैन। मैगी मैन। बाकी सेंट स्टीफन्स कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, JNU से मास कम्युनिकेशन भी करा हुआ है, जर्नलिज्म में काम भी किया है, लिखना भी जानता हूँ बोलना भी जानता हूँ, अमेरिका से MBA कर रहा है, Fortune 100 की सारी टॉप कंपनीज में, ऑलमोस्ट सारी टॉप कंपनीज में सीनियर पोजीशन पे मैंने काम किया। अरे क्या बात है तरुण भाई, आपने तो बहुत कुछ कर रखा है, फिर भी चूतिया कैसे रह गए आप? बात तो सही है। पंप देख रहे हो किसा है? मेरी सुहागरात से। पंप के लिए सुहागरात करनी पड़ेगी तरुण भाई, मतलब मेरी तो शादी ही नहीं हुई है अभी तक यार, मैं क्या कर रहा था फिर अभी तक जिम जाके यार, मेरा तो पंप ही नहीं आएगा भाई। अरे यार मम्मी मेरी शादी कराओ यार, मुझे पंप चाहिए यार। क्या कह रही हो, कूलर में से निकाल लूं? अरे मम्मी यार वो पंप नहीं यार, तुम भी कैसी बातें करती हो। 90s के बॉडी बिल्डर, तो इमेजिन वो टाइम क्या था बॉडी बिल्डर, सबसे फ्रीकी बॉडी बिल्डर, फ्रीकी बॉडी बिल्डर। और ये अपने वर्कआउट से पहले वायग्रा लेते। बस तरुण भाई बस यही रुक जाओ, इससे आगे एक भी शब्द मत बोलना। मैं नहीं चाहता कि भाई तुम बंदों को बोलो कि वो प्री वर्कआउट में वायग्रा ले लेके जाए। इसके डैड के पास चल रहा है कि भाई मैं शाम को वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मेरे को जगह ही नहीं मिल रही जिम में भाई, कहीं वर्कआउट करने की, मतलब कहीं से भी जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ टकराया जा रहा है भाई, ये सब मत सीखो तरुण भाई, गंदी चीज है, ठीक है ना। देखो आप और यश भाई जो भी वर्कआउट करते हो वायग्रा लेके, देखो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये
बट यार प्लीज ये सब मेरी जिम में मत कराओ यार, प्लीज यार मुझे तो इज्जत से वर्कआउट करने दो। यू कैन टेक वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। जब आप वायग्रा लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट पे ही ब्लड जाएगा, तो ब्लड आप डाइवर्ट कर सकते हो जिस भी एरिया को आप ट्रेन कर रहे हो। भाई फिर तो तरुण भाई मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा कि वायग्रा लेके ना भाई वो ब्लड ना तरुण भाई तुम अपनी ना दिमाग तक सर्कुलेट कराओ यार, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ब्लॉकेज वगैरह है तुम्हारे। तुम लो वायग्रा, मैं तो कह रहा हूँ तुम एक नहीं तुम चार पांच लो यार, तभी तभी काम बनेगा यार, तभी यहाँ पर खून जा पाएगा तुम्हारा। कंडोम यूज करने के लिए ना एक चीज का होना बहुत जरूरी है तरुण भाई, वो चीज तो आपके सर में फंसी पड़ी है ना। मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है, तो सबसे पहले आई लेट दिस बेबी अप, देन I have sex, attend some meetings, come back, and guess what? Have sex again. अरे बस तरुण भाई बस। जिम के बाद, guess what? Have sex again. बस करो तरुण भाई, सामने वाले इंसान से भी तो पूछ लो यार, उसको करना है नहीं करना। सेक्स करने का भी कोई टाइम होता है क्या? जब दिल करे तब कर लो, बट अगर परफॉर्मेंस निकालनी है सेक्स से। भाई जनावर को रोक लो भाई, कोई ये मुझे लग रहा है अपनी बॉडी के चक्कर में सामने वाले इंसान को मौत के घाट उतार देगा भाई। इसे बांध के रखो भाई चेनों से, नहीं तो ये पूरे दिन सेक्स करता फिरेगा। साला जो भी ये कहता है ना कि शुगर खाने से आपकी बॉडी खराब होगी, आई थिंक चूतिया। तरुण भाई सिर्फ आपके लिए मैंने कड़ी मेहनत करके ना वो चूतिया ढूंढ निकाला है जो ऐसी बातें कर रहा था। शुगर, नाउ शुगर इज वी ऑल नो इज द एनिमी, आई थिंक चूतिया। यू नो शुगर इज बीन डाउटेड टू बी यू नो द एनिमी ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, आई थिंक चूतिया। द प्रॉब्लम विद शुगर इज दैट बिकॉज़ इट्स सिंपल कार्ब्स, यू नो इट जस्ट इमीडिएटली गेट्स स्टोर्ड एज फैट। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, आई थिंक चूतिया। एक तो ये तरुण भाई का सस्ता स्वैग खत्म ही नहीं होता, बंदा वीडियो स्टार्ट होने से पहले भोले बच्चे की तरह घड़ा मतलब सिगरेट भी ऐसे पकड़ रखी है इस बंदे ने, मुझे जैसे कि लॉलीपॉप दबा रखी हो। वीडियो स्टार्ट होते ही बंदे ने अपने सस्ते स्वैग का बटन दबा दिया और एकदम बन गया धुएं वाली गाड़ी। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कोई स्कूल में नहीं बताता। हाँ भाई ऐसी बातें बताते हो ना, अगर वैसी बातें स्कूल में बताने लग गए ना लोग तो मोदी जी अगले दिन ही स्कूल पे ट्रैक्टर और बुलडोजर सब चढ़वा देंगे। तो आज का लेसन क्या देने वाले हैं डॉक्टर साहब? वो देख तो लो बीड़ी बाज डॉक्टर साहब को, ऐसे डॉक्टर होने लग गए ना तो लोग तो अपने अस्थमा के पेशेंट के मुंह पे बीड़ी के धुएं के छल्ले फेंक फेंक के मारेंगे। सिगरेट पीने का शौक है पियो, दारू पीने का शौक है पियो। अबे हटाओ यार इस बंदे को, ये बंदा तो सबको अपनी तरह गंजेड़ी बनाने के मिशन पे निकला हुआ है भाई। कमलेश तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, होप करता हूं तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई यार मुझे आज पता चला कि मेरी तो बॉडी नहीं बन सकती भाई, बट तुम्हारी भी नहीं बन सकती यार, पता है क्यों? तुम हो चूतिया।